मेन झरना ये है। हेलो लवली पीपल, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज है संडे और संडे को दोबारा हो गई है मेरी संडे राइड स्टार्ट। और आज मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है देहरादून का, और बाकी मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तो धीरे धीरे आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। मौसम पूरे गर्मी से भरा हुआ है, बहुत बढ़िया धूप आ रही है। आए हाय इतनी प्यारी रोड है भाई, देखो दोनों तरफ पेड़ पेड़ बढ़िया तरीके से, और बीच में रोड निकल रही है। आहा मज़ा आ जाती है भाई ऐसे जगह तो गाड़ी चलाने में। यहाँ से मसूरी की हसीन वादियाँ दिख रही है, बाकी ये देखो भाई ये पहुँच चुके हैं देहरादून के एक फेमस मंदिर के पास, महादेव जी का मंदिर है, हर हर महादेव। भाई ये टोल है यहाँ पे मसूरी MDDA का, ये टैक्स लिया जाता है भाई मसूरी घूमने आने का, आई थिंक 10 या 20 रुपये है टैक्स। ये मैगी पॉइंट पे रुके हैं हम मसूरी के, और ये पूरा देहरादून दिख रहा है यहाँ से। और देहरादून के ऊपर देखो कितनी धुंध छाई हुई है, सारा पॉल्यूशन का धुआं है भाई, एक अलग लेयर दिख रही है। ऊपर आसमान नीला है, बीच में एक धुएँ की लाइन दिख रही है, फिर नीचे ज़मीन दिख रही है। तो ये है भाई देहरादून यहाँ से दिखता हुआ बढ़िया तरीके से। बाकी देखो एक तरफ आसमान इतना क्लियर और दूसरी तरफ देखो। और ये मैं पहुंच चुका हूँ भाई मसूरी, बाकी आप जाम देखो यार कितना भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ भाई। आज संडे है और पूरा लोग अपना वीकेंड स्पेंड करने मसूरी आ रखे हैं, पूरा पैक हो रखा भाई मसूरी। अभी सामने से बस आएगी और ये बस मेरे इतने करीब होके निकलती है ना भाई, अगर हल्का सा भी मैं तो अभी मैं पहुंच चुका हूं लाइब्रेरी चौक मेन मसूरी में, यहां पे भाई वही जाम की सेम कंडीशन है। बाकी जल्दी से यहां से निकलते हैं और मिलते हैं आपको कैंपटे फॉल के जस्ट नज़दीक। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कैंपटे के थोड़ा नज़दीक, और यहां से ये कैंपटे दिख रहा है सारा, इसके बाद बहुत नज़दीक है, थोड़ा अभी नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। बाकी मौसम देखो यार। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कैंपटी फॉल, और ये है भाई यहाँ से कैंपटी फॉल जाने का पैदल रास्ता। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ की दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ से भाई लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और यहाँ पे अच्छा अच्छा सामान मिलता है। पैदल वाला इधर होगा ना, ये लेफ्ट हैंड साइड से जो रास्ता जा रहा है ये पैदल रास्ता जा रहा है, और ये जो सामने दिख रहा है आपको ये ट्रॉली का रास्ता है भाई। यहाँ से लोग ट्रॉली पे बैठ के नीचे जाते हैं, जिसका जो फेयर है वो 200 रुपये पर हेड है। ऊपर झील की तरफ और एक नीचे वाले मेन झील की तरफ जा रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये ऊपर वाला, जहाँ पे पानी डायरेक्ट नेचुरल झील होगी ऊपर बनी हुई, पता नहीं मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। मेन झरना ये है, इसके बाद ये पानी जा रहा है नीचे, और ये देखो नीचे भी लोग नहा रहे हैं, ये पानी नीचे तक जा रहा है और नीचे बढ़िया तरीके से स्विमिंग पूल बना रखा है। मैं एकदम टॉप में आ रखा हूँ,
और ये अभी मैं आ चुका हूँ मेन स्विमिंग पूल पे, जहाँ पे सभी लोग नहाते हैं भाई, और यही यहाँ का मेन झरना है। यहाँ पे सभी लोग इन्जॉय कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं किस तरीके से लोग इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी भाई गर्मियों में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, आप एक बार विज़िट कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जो नियरली रेलवे स्टेशन पड़ता है वो देहरादून रेलवे स्टेशन पड़ता है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही प्राइवेट टैक्सीज और आपको वहाँ पे बस भी मिल जाएगी, जो हर एक घंटे बाद देहरादून से मसूरी के लिए चलती रहती है, और फिर आपको मसूरी से यहाँ तक किसी प्राइवेट टैक्सी में ही आना पड़ेगा। और यहाँ देहरादून से लेके यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको 34 किलोमीटर के अराउंड पड़ेगी। और ये यहाँ का प्राइवेट एरिया है, जहाँ आप अंदर विज़िट कर सकते हैं, जिसके चार्जेस आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ये प्राइवेट एरिया है और अगर आपको यहाँ एंट्री करनी है तो देखो भाई 20 रुपये का टिकट है घूमने के लिए बस। और जिधर मैं आया हूँ भाई वो दिखाता हूँ मैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, तो यहाँ अंदर अगर सिर्फ घूमने के लिए आना है तो 20 रुपये का टिकट है, और अगर आपको स्विमिंग करनी है जैसे ये लोग कर रहे हैं नीचे प्राइवेट उसमें, तो स्विमिंग का 100 रुपये चार्ज है। और ये बगल में बोटिंग हो रही है, बोटिंग का 2 सीटर बोटिंग के 200 है, 4 सीटर बोटिंग के 400 रुपीज़ चार्ज है। बाकी आप ऐसे घूमने भी आ सकते हैं, घूमने के लिए आपकी 20 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी। और ये जो ऊपर दिख रही है ये इधर रोड, ये मेन रोड है, वहाँ से इधर नीचे आ रहा हूँ अभी।